प्रेज द लॉर्ड। प्रेम सफल संबंधों का केंद्र है। वचन स्पष्ट करता है कि हमें प्रेम करने वाले लोग बनना है। परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से अपने पड़ोसी को अपने समान और अपने शत्रुओं से प्रेम करना। किंतु जब हम एहसास करते हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है तो प्रेम करना कठिन प्रतीत होता है। उपेक्षित बच्चे, पति अथवा पत्नी जो अपने जोड़े द्वारा त्याग दिए गए हैं और अपने बच्चों द्वारा परित्यक्त माता पिता सब प्रेम विहीन जीवन के दर्द से परिचित हैं। इसीलिए सब प्रेम चाहने वाले इस आनंद में शामिल हो कि परमेश्वर आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। उसके प्रेम के अगाध प्रभाव के विषय विचार करें जो आपके लिए कैलवरी पर प्रकट किया गया। इस वास्तविकता पर चिंतन करें कि यदि आपने उसमें विश्वास किया है, उसका प्रेम आपके त्रुटियों एवं विफलताओं को ढांकता है और आपको अपनी बेदाग धार्मिकता की चादर उड़ाता है। आनंदित हों कि कोई आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। अपने सुरक्षित भविष्य के लिए उसके प्रेम में प्रावधान को स्वीकार करें जहां आपको हमेशा प्यार किया जाएगा। दोस्तों, यूहन्ना यह लिखते हुए कि हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, हमें प्रियो कहकर संबोधित करता है। जब आप एक बार यह स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, तो आप सरलता से परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रेमी व्यक्ति बन सकते हैं, उसके लिए भी जो आपसे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना दूसरों से प्रेम करने की कुंजी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें।